इस समय हम खड़े हैं न्यूज़ क्लिक की तरफ से सिंघू बॉर्डर में। यहाँ पर 21 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। किस तरह से किसान, किसानों के नेता इस पूरे के पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं बातचीत के, कम से कम यह बात तो यहाँ साफ हो जाती है। करीब 20 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर किसानों ने अपने घर को, गांव को बसाया है। किसान आंदोलन एक बिल्कुल अलग ढंग का उदाहरण सबके सामने रख रहा है। 22-23 दिन से यहाँ लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसके लिए राशन आ रहा है, लोग मदद कर रहे हैं और एक अलग ढंग की दुनिया यहाँ बन चुकी है। कपड़े धोने से लेकर तमाम इंतजाम जिस तरह से और जिस बेहतरीन दृष्टिकोण के साथ यहाँ लोगों ने किया है वह देखते ही बनता है। रोटी बनाने वाली मशीन अपने आप में बहुत दिलचस्प है। शुरू में ये एक थी, अब 2-3 लग गई हैं सिंघू बॉर्डर पे। इसके बारे में इसे चलाने वालों ने बताया कि किस तरह से एक घंटे में 2000 से लेकर 3000 रोटियां फटाफट बन जाती हैं और इसे देखना भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। गुरुद्वारा तापस्थान संत बाबा हजारा सिंह निक्के कुमण गुरदासपुर से हम लंगर लेके आए हैं। 30 तारीख से हमने इधर लंगर शुरू किया था तो उसमें हमें काफ़ी सिलेंडर की जो मुश्किल जो आ रही थी, सिलेंडर हमें नहीं पहुंच पा रहे थे इतने, तो काफ़ी हरियाणा के भाई हमारे लेकर आ रहे थे लेकिन हमारे इधर खपत बहुत हो रही थी तो इसलिए हम, ये स्टीम बॉयलर है, ये लकड़ी से ऑपरेट होता है, हाँ ये स्टीम बॉयलर है, स्टीम से खाना बनता है। नीचे इसके स्टीम के जो स्टील के बर्तन है उससे इसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाता है। वो सामने आप देख रहे हो जो सिलेंडर नुमा है बड़ा सा, उसके नीचे जगह बनी है, उसमें लकड़ी, एक पोर्शन में लकड़ी डालते हैं, उसमें लकड़ी जो है उसको हम करते हैं। अच्छा, तो इसमें कितना खाना बन जाता है, कैसे स्टीम से कितना बन जा रहा है? इसमें 3000 बंदे का खाना 25 मिनट में बनता है। 3000 50 किलो दाल, 50 किलो चावल हम एक बर्तन में इसमें डालते हैं और 1.5 क्विंटल पानी, 150 लीटर पानी डाल के फिर इसको 25 मिनट में ये तैयार कर देता है। 3000 बंदे का खाना हम 25 मिनट में तैयार कर रहे हैं। कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पर अकेले इस लंगर में 50 से 60 हज़ार के करीब लोग रोज़ खाना खा रहे हैं। मेरा नाम काका है, एक्चुअली मैं किसानी परिवार से तो नहीं हूँ बट मेरा उनका सपोर्ट है किसानों को क्योंकि ये अन्नदाता है हमारे, और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ, यमुनानगर का रहने वाला हूँ, हरियाणा से हूँ। हाँ एक्चुअली मैं अच्छे दिनों को ढूंढता यहाँ पर आगे, मैं शायद देखती हूँ अच्छे दिन शायद बॉर्डर पर मिल जाएँ दिल्ली के पास, तो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने आपको सुनाना चाहूँगा, पंजाबी में लिखी हैं। ओ दुनिया केंदी मेरा देश बदलदा, दुनिया केंदी मेरा देश बदलदा, बदलन गए थे हालात नी पर चंगे दिन आए खड़िया हो जोगे मालो मालनी। ओ दुनिया केंदी मेरा देश बदलदा, नवियां सरकारां नवे बंदे नवे नवे वादे ने, रोटी नू गरीब तरसदा इना दे उच्चे इरादे ने, रोटी नू गरीब तरसदा इना दे उच्चे इरादे ने, गल्लां बातां नाल पेट ने परदे, गल्लां बातां नाल टेड ने परदे, इना नू कोई परवाह नहीं पर चंगे दिन आए खड़िया हो जोगे मालो मालनी, चंगे दिन आए खड़िया हो जोगे मालो मालनी। आंदोलन अपनी तरह की एक सोच विकसित करता है और यह सोच सीधे सीधे सत्ता से टकराती है। जिस तरह से यहाँ नौजवानों ने मोदी और अमित शाह पर पोस्टर बनाए हैं, उन्हें टांगा है और व्यंग का सहारा लिया है, वह बताता है कि इस आंदोलन की वैचारिक धार बहुत तेज है। देश के कृषि मंत्री भले ही इन लोगों को किसान मानने से इनकार करें लेकिन यहाँ आने वाला कोई भी शख्स इन्हें किसान
और भारतीय नागरिक के अलावा कुछ और मान नहीं सकता। चरणजीत कौर तनोवा, चंडीगढ़ से और राजपुरा पंजाब से हम सभी लोग आए हैं। हम किसानों को समर्थन में आए हैं, इन बिलों को वापस लेने के लिए आए कि मोदी सरकार लोगों की आवाज़ सुने और इन्हों को वापस ले, क्योंकि ये बिल अकेले किसान के नहीं बल्कि किसी की इंसान के हित में नहीं है। ये ओनली कारपोरेट घरानों के हित में है, आम इंसान आम पब्लिक के हित में ये नहीं है। मेरा नाम सतेंद्र कौर गिल, मैं पंजाब से लांडरा से आई हूँ। खेती बाड़ी नहीं, कोई जॉब नहीं करती। घर के बाकी लोग भी आए हैं, हम सब लोग आए हैं। हाँ, सारे लोग आए हैं। मेरा राजबीर ढिल्लों, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, बिलोंग करती मैं अमृतसर को, और मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, पत्नी हूँ, सब कुछ हूँ। इसलिए मेरे को ये चीज़ दिमाग में, मैं बिजनेसमैन लेडी हूँ, ठीक है, और ये चीज़ जो मैं आई ना, इतनी दूर से आई, इतने रश में आई, देख के हैरानगी है कि ये लोग इतना अच्छा पीसफुली रह रहे हैं। मतलब एक भी इतने रश में एक भी चटका नहीं किसी लेडी को, किसी को भी नहीं। अगर हमें कोई सपोर्ट चाहिए तो एक सेकंड में आ रहे हैं, एक सेकंड में हमें कुछ पूछ रहे हैं क्या खाना क्या नहीं है। मतलब टू मच, इतने आंदोलन देखे, ऐसा आंदोलन कभी भी नहीं देखा। तो थैंक यू। मैं मनदीप पन्नू चंडीगढ़ से आई हूँ और यहाँ आके देखा इतना पीसफुली ढंग से सारे किसान हैगे। तो मीडिया कई मीडिया है जो बदनाम करती है कि ये हो गया वो हो गया, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत पीसफुली ढंग से हो रहा है सारा कुछ। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी अपने 3 काले कानून जो बनाए हैं वो वापस लें और किसान अपने घर जाएं सारे। मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है किसानों के संघर्ष में शामिल होने के लिए, और मैं जन्म से किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान थे। जो भी मुझे लाइफ में मिला था इसी कारण मिला था, किसानी के कारण। उनकी जो मेहनत थी उनको मैं आज भी याद करता हूँ जब वो काम करते थे। तो मेरे कोई कारण नहीं था कि इस नौकरी में रहूँ, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रहे, पंजाब के DIG आप पोस्ट से थे, तो पंजाब में तो अभी किसानों ने काफ़ी आंदोलन आगे कराया, लेकिन जो सरकार केंद्र की है वो आखिर क्यों नहीं सुन रही और लगातार एक ही बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं है, वो भ्रमित हैं। दो चीज़ें जो कह रहे हैं और पंजाब के किसानों के लिए खासतौर से कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके फ़ायदे के लिए हम कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो हम समझाना चाहते हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी जो किसान लीडरशिप है, पहली बात तो आप पंजाब से अभी ऊपर उठ गया है मामला, अभी हरियाणा राजस्थान और सारे इंडिया के किसान यहाँ हैं, और अभी जो हमारी लीडरशिप है बहुत ही काबिल लीडरशिप है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग्स में पॉइंट पुट अप किए हैं। तो अभी समझना समझने वाली बात नहीं है। कुछ मसले ऐसे हैं जो किसानों का जो बिल होता है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो ये तो पास ही नहीं होना चाहिए था, फिर भी किसान लीडरशिप ने बहुत अच्छे तरीके से ये केस प्रोजेक्ट किया है और उम्मीद है हमारी मांगें सुनी जाएंगी। तो हम तो किसान हैं, साधारण किसान हैं, आपको पता है अगर ये ऐसे ही रहता है तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। राष्ट्रहित की बात हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि इसमें बहुत अलग ढंग के लोग हैं, देश से प्रेम नहीं करते हैं वो लोग यहाँ। मैं पहले आर्मी में था और शायद यहाँ पर जो खड़े हुए हैं अगल बगल में इनके बेटे में भी होंगे। हमने राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं देखा है। मेरे लिए पर्सनली, मैंने वहाँ इंडियन आर्मी में था, जम्मू एंड कश्मीर में मैं भी नौकरी की थी, और जो आर्मी में कॉम्पोजिशन है हमारे, वो हमारे किसानों के बच्चे हैं वहाँ, चाहे जाट रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, मराठा है, महार है, पंजाब है, सिख है, सिखलाई है, सब में हमारे बच्चे हैं। तो हमारे राष्ट्रहित में जो लोग कह रहे हैं राष्ट्रहित में नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं। हम पूरी तौर पे राष्ट्रवाद को समझते हैं और हमारे दिल में बसा हुआ है। आज से नहीं है ये, तब से है, जब से सिकंदर महान ने इंडिया पर आक्रमण किया था तब भी हमारे पूर्वज लड़े थे पोरस के रूप में, वो उन्हीं के हम वंशज हैं। तो ये नहीं है, इतिहास में हम बार बार राष्ट्रहित की प्रोटेक्शन करते रहे, और जो मौजूदा राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित में किसान ने अनाज पैदा किया है, और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, राशन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और फिर भी आलोचना कर रहे हैं, ये एक विडम्बना है, बहुत बुरी बात है। तो यही बात है जो चोट करती है यहाँ पे। इसे देखकर यह अंदाजा साफ है कि मोदी सरकार जितना भी कहे कि किसान ना समझ हैं,
किसान इस बात को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि खेती उन्हें मोदी सरकार समझाएंगे और बताएंगे, और साथ ही साथ कॉरपोरेट के लिए जिस तरह से किसान लामबंद हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की लड़ाई क्या दिशा लेती है।